गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मलाई कोफ्ता बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। इसमें हम पनीर लेंगे 150 ग्राम, एक बड़ा उबला हुआ आलू लेंगे, इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच किशमिश, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, 1 चम्मच अदरक हम ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस करके, इसे भी रख लेंगे। ग्रेवी के लिए हमें 2 बड़े प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच, 2 बड़े टमाटर और 10 से 15 काजू। मसाले में यहाँ पे हमने खड़ा मसाला लिया है, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, गरम मसाला, 1 चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच नमक और क्रीम चाहिए हमें 5 से 6 चम्मच। आप होममेड क्रीम भी ले सकते हैं इसके लिए। तो अब हम इसमें प्याज और टमाटर को काट लेंगे। प्याज टमाटर को काट लिया है हमने। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे जो हमने लिया था, 2 इलायची डाल दी हैं इसमें, 1 दालचीनी, 3 से 4 लौंग, इसको हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। 3 से 4 मिनट तक इनको अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें काजू भी डाल देंगे जो हमने सोक करके रखे थे पानी में। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे। 3-4 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा, तो फिर हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इस तरह से इसकी सारी रॉ स्मेल निकल जाएगी। अब हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। पनीर और आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे 1 बड़े बर्तन में। इसमें धनिया कटा हुआ डाल देंगे, किशमिश ऐड कर देंगे, काजू ऐड कर देंगे जो हमने छोटे छोटे चॉप किए थे, और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे 2 से 2.5 चम्मच, और अदरक भी इसमें डाल देंगे, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। नमक इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिला देंगे और फिर हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। किशमिश आप सेंटर में दबाते हुए रोल करेंगे सारी बॉल्स। 8 से 10 बॉल इसमें बन जाएंगी। ये हमारी कोफ्ता बॉल रेडी हैं। तेल गरम कर लिया है हमने कढ़ाई में, मीडियम से हाई फ्लेम पे रखा है हमने इसको, और एक एक करके अब हम बॉल्स इसमें फ्राई कर लेंगे। सारी बॉल्स इसमें तेल में डाल देंगे। आप मीडियम से हाई फ्लेम में रख सकते हैं। इनकी साइड्स आप पलटते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन तक इसको फ्राई करेंगे। कोफ्ता बॉल्स रेडी हैं, इनको हम किसी अब्सॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। हमने प्याज टमाटर विद स्पाइसेस ठंडे होने के लिए रखे थे, इनको हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1 बर्तन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच ऑयल आप डाल सकते हैं इसमें, और अब हम इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और हरी इलायची डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज, टमाटर, काजू और स्पाइसेस को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये पेस्ट बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। इसमें हमने काजू भी डाले हैं और इसमें स्पाइसेस का भी फ्लेवर है। तो अब हम ये पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे,
जब तक इसमें ऑयल अलग से दिखना शुरू हो जाएगा। चार से पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक आप इसमें डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। एक चम्मच चीनी, एक से दो चम्मच चीनी आप इसमें डाल सकते हैं और सब स्पाइसेस को अच्छे से मिला देंगे। मलाई कोफ्ता का मसाला बिल्कुल रेडी है। इसका टेस्ट थोड़ा मीठा आएगा, मलाई कोफ्ता थोड़ा मीठा ही होता है। अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, एक कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप राइस के साथ सर्व करेंगे तो आप डेढ़ से दो कप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है आप वैसे रख सकते हैं। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे, तीन से चार चम्मच क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। इसको लो फ्लेम पे करेंगे और साथ साथ चलाते रहेंगे। अब हम इसमें मेथी के लीव्स डाल देंगे, सूखी मेथी एक चम्मच इसमें ऐड कर दी है अब हमने। तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। जैसे ग्रेवी ठंडी होगी उसके बाद आप इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। एक बाउल में इसको निकाल लेंगे और उसके बाद आप इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। गाइस मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बच्चों की ये फेवरेट डिश है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कोफ्ता में काजू क्रीम एंड स्पाइसेस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।